सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चहल। सुखपाल सिंह खहरा दे वल्लों कांग्रेस पार्टी की ज्वाइन की गई है। पंजाब की सियासत दे विच पूरी तरह हलचल मचदी दिखाई दिंदी है। दरअसल पहला सिर्फ यही चर्चावां चल रही सन कि इकले सुखपाल सिंह खहरा ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, पर उस तो बाद अपने साथियों भी कांग्रेस पार्टी दे विच शमूलीयत करवा लेंदे ने। इस सब दे विच जिथे पूरे पंजाब दे विच सुखपाल सिंह खहरा दी थू थू हुंदी दिखाई दिंदी है, उधर दूजे पासे कुछ उन्होंने समर्थक खुशी दे नाल झूमदे भी दिखाई देंदे ने। पर इस सब दे विच पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों एक तीर दे नाल तीन निशाने कर ले गए ने। जी हाँ, दो निशाने नहीं, तीन निशाने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों इन्हां आप विधायकों नूं कांग्रेस पार्टी विच शामिल करवा के कर ले गए ने। इन्हां तिना निशानियां बारे असीं तुहानूं दसण जा रहे हां। सब तो पहला ते वड्डा निशाना कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों ए साध्या गया है कि इस दे नाल कांग्रेस पार्टी दी हाई कमान दे विच उन्हां दी मजबूत पकड़ वाली इमेज बनेगी। जाण तो पहला, दिल्ली जाण तो पहला ही कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों गैर रस्मी तौर पर इन्हां तिना विधायकों नूं कांग्रेस पार्टी दे विच शामिल करवा लिया गया। इस दे पिछे सब तो वड्डा कारण यह मन्या जा रहा है कि भावें इन्हां नूं रस्मी तौर पर बाद विच शामिल करना है, पर दिल्ली जाण तो पहला ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन्हां नूं शामिल करन दीआं खबरां क्यों चलवा दित्तीआं, फोटोआं क्यों खिंचवा लईआं। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की हाई कमान नूं यह संदेश देना चाहते सन कि पंजाब की सियासत दे विच उन्हां दा बहुत जबरदस्त होल्ड है, उन्हां दी बड़ी मजबूत पकड़ पंजाब दी सियासत दे विच है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे विच नहीं सगो विरोधी पार्टियां दे विच भी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी पकड़ है, अते विधानसभा चोणां दे विच जेकर लोड़ पई तां दूजियां पार्टियां दे विचों बंदे पुट के भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब दे विच सरकार बना सकदे ने। इस दे नाल ही एक तां संदेश दित्ता केंद्रीय हाई कमान नूं, कांग्रेस की हाई कमान नूं, अते दूजा संदेश कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों अपने कांग्रेसी विरोधियों नूं भी दिता गया है कि उन्हां दी जगह ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे कोल होर भी बहुत सारे बदल मौजूद ने। जिथे पंजाब दे विच माहौल बन गया सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी तरह नाकामयाब लीडर है, अपना कोई भी वादा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरा नहीं किया, कमजोर लीडर बन गया है। विरोधियों के वल्लों लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह ते निशाने साधे जा रहे सन, जदों इको दम ही दूजी पार्टी दे तीन विधायक उन्होंने शामिल करवा ले ने। इहदे नाल कांग्रेस विचले विरोधियों नूं भी एक सख्त संदेश देण दी कोशिश कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों कीती गई है। इह तां हो गया पहला निशाना जिहड़ा लाया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक तीर दे नाल, अते इसे ही तीर दे नाल दूजा निशाना कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों मुख विरोधी धिर आम आदमी पार्टी ते लाया गया है। इस वेले आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि पंजाब दे लोकां ने अकालियां दा राज भी देख लिया है, पंजाब दे लोकां ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दा कांग्रेस पार्टी दा राज भी देख लिया है। पंजाब दे लोकां दे कोल इस वेले सिर्फ ते सिर्फ आम आदमी पार्टी दा ही बदल बचिया है, अते आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है पहला नालों। अते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चोणां तों ऐण पहला आम आदमी पार्टी दे तीन विधायकों नूं कांग्रेस पार्टी विच शामिल करके ये संदेश भी देने की कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच मजबूत नहीं सगों होर भी कमजोर हुंदी दिखाई दिंदी है। पहला आप दे कई विधायक वापसी कर चुके ने आम आदमी पार्टी दे विच, अते यही सोचा जा रहा सी कि शायद चोणां तों पहला ये बागी विधायक भी आम आदमी पार्टी विच वापसी कर सकते ने, पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवा के आप विधायकों तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी नूं एक तगड़ी सट मारी है। तीजा निशाना कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों यह किया गया है कि उन्होंने पंजाब विच लगातार बनती जा रही धारणा नूं तोड़ के रख दिता है। पंजाब दे विच इह धारणा बनन लग पई सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई नूं हुण कांग्रेस पार्टी दे लीडर ही कबूलदे दिखाई नहीं दिंदे, तां पंजाब दे लोकां ने कैप्टन नूं दोबारा मुख्यमंत्री कित्थों बनाउणा है। कांग्रेस पार्टी पाट गई है, कांग्रेस पार्टी जिहड़ी कमजोर हो गई है बहुत ज़्यादा, इस करके 2022 दीआं चोणां दे विच ज़्यादा जबरदस्त टक्कर इस वेले आम आदमी पार्टी अते श्रोमणी अकाली दल विचाले हो सकती है। कांग्रेस पार्टी मुकाबले दे विच ही नहीं होएगी, अजिही धारणा हुण लोकां दे विच बणदी दिखाई दिंदी सी। इस धारणा नूं भी तोड़न दा काम कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों कीता गया है कि इन्नी मजबूत है पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी कि दूजियां पार्टियां दे विधायक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करदे दिखाई दिंदे ने। इस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक तीर दे नाल पंजाब दी सियासत दे विच तीन निशाने ला ले ने।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निशाने ला ले, अपना कद होर भी पंजाब की सियासत दे विच वधा लिया, विरोधियों नूं भी संदेश दे दिता, सख्त केंद्रीय हाईकमान भी एक मैसेज दे दिता, पर सुखपाल सिंह खहरा की काफ़ी ज़्यादा किरकिरी पंजाब की सियासत दे विच हुंदी दिखाई दिंदी है। गल करिए आप पंजाब के प्रधान भगवंत मान की, तो उन्होंने सुखपाल सिंह खहरा की रज के बेइज्जती कर दिती है। वैसे तो एक बहुत मशहूर शेर है पंजाबी का कि अपने वल्लों तो दरिया वड्डे घर जाता है, अपने वल्लों तो दरिया वड्डे घर जाता है, पर समुंदर दे विच जाके वो मर जाता है। गर्दन सीधी रखण का मुल तार रहे हैं, बेशर्मा का तो नीवी पा के भी सर जाता है। उन्हां दा नीवी पा के सरदा जी, सर गया, अज फिर नीवी पाई खड़े सी उत्थे। मैं पहले भी कहा सी, एक चोन निशान तो MLA ने, एक चोन निशान तो बठिंडे MP दी 2 साल पहला सीट लड़ी, इलैक्शन लड़ी, हुण एक चोन निशान वल नूं चले गए। खास तौर पर मैं पूछना चाहूँगा खहरा साहब, तुसी 1984 दी नसल कुशी दी अक्सर गल करते रहने हो, ते आह जिहड़े दिन ने, एक लूकारा हफ्ता है, जून दे इस हफ्ते च ही दरबार साहब ते ब्लू स्टार ऑपरेशन होया सी, घट्टो घट्ट दिन तो कोई इधर उधर कर लेंदे, तो हुण जाके की जवाब देंगे उत्थे। ते परमजीत कौर खालड़ा जी जिन्हां नूं इन्होंने खड़ूर साहब तो लड़ाई सीगी टिकट, तो उन्होंने दिल ते की बीतूगी कि उन्होंने जिहड़े हसबेंड ने उन्होंने उन्होंने कातलों के नाल तुसीं जाके उत्थे हाथ मिला लिया तो खड़े सी, तो LOP होंदे हुए कांग्रेस से बड़े अटैक करते सी कि हुण रेत माफिया ठीक हो गया, कि ट्रांसपोर्ट माफिया बिल्कुल सही है, एक्साइज माफिया खत्म हो गया। सो कोई मतलब कोई स्टैंड ही है नहीं, की कह सकते हैं। बस आम आदमी पार्टी नूं छड्ड के ही सुखपाल सिंह खहरा कांग्रेस पार्टी दे विच गए ने। आम आदमी पार्टी ने तो गुस्से दे विच आउणा ही सी, पर श्रोमणी अकाली दल दा दोवां पार्टियां नूं ही घेरदा दिखाई दिंदा है। सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियां नूं ही निशाने ते लै लिया है। सुखबीर सिंह बादल दे अनुसार इन्हां दोनों पार्टियां दा सांझा खाता चलदा है, जिहड़ा मर्जी लीडर इधर चल जांदा है उधर चले जांदा है, अते कोई भी दोनों विचों इह कोई भी पार्टी उस विधायक बारे नहीं बोलदी है जिहड़ा भी पार्टी बदलता है। किवें तिखा निशाना साध्या है सुखबीर सिंह बादल ने, तुहानूं उह वी सुनाउणा बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस का सांझा खाता है, मुश्तरका खाता नहीं जमीन कि सारे जिधर इधर छाल मारो, इधर आओ, कितों मर्जी वाह लो, कितों मर्जी कर लो, मुश्तरका खाता है। तो सारे सहमत है, इत्थे कट्ठे चीज़ां वाहुंदे है। मैं तुहाडे सामने हैरानी की गल है, सुखपाल कह रहा बड़ी कांग्रेस की माड़ी पार्टी है, कांग्रेस छड़ के आम आदमी चला गया, फिर आम आदमी नू छड़ के वह कहता मैं पंजाब एकता पार्टी, फिर MP लड़िया। देखो एंटी डिफेक्शन लॉ दी धज्जियां जो इन्होंने लाइया है कोई ला नहीं सकता। MP लड़ गया, उन्होंने जे बंदा लड़ जाता एक बार पार्टी थोड़ा प्रूफ करने की लोड़ ही नहीं। उसके बाद वापस कांग्रेस उवें ही मानसैया आया, कांग्रेस चले गया, आप चले गया, वापस कांग्रेस आया, कोई ना आप बोलिया तो ना कांग्रेस बोली। उसके बाद संदोहा वह भी कांग्रेस चले गया, फिर वापस आ गया, जिवें शाम को गया, शाम को अगले आया ना, कोई प्रोटेस्ट कांग्रेस तरफों भी। संदोहा तो स्पीकर आप सी नाल जॉइन कराने वास्ते आप सी। हुण मास्टर प्रदीप सिंह भी लंबा सफर एकता पार्टी कर करके, आ जिन्ने कांग्रेस के आप वाले है सानू ऐ नहीं पता लगता कि ऑपोजिशन पार्टी है कि जॉइंट पार्टी है। जिथे हुण विरोधी पार्टियां दे वल्लों रज के बेइज्जती की जा रही है सुखपाल सिंह खहरा दी, उधर दूजे पासे सुखपाल सिंह खहरा कांग्रेस पार्टी विच आउण नूं अपनी लगभग मजबूरी दसदे दिखाई दिंदे ने। कांग्रेस पार्टी विच शामिल होण तों बाद जदों तिखे सवालां दी झड़ी पत्रकारां दे वल्लों सुखपाल सिंह खहरा ते ला दित्ती गई, तां किवें अपनी मजबूरी दा इजहार कीता है सुखपाल सिंह खहरा ने, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 7 ਤੋਂ 8 ਵਾਰ ਡਿਸਪਾਈਟ ਲੋਕਡਾਊਨ 2020 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਈਏ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਾ
तो उधरले पास्यों इलेक्शन नेड़े ने मेरा हल्का पलातना जो मेरी गल चंगी तरह समझने की कोशिश साढ़े 50 साल के तुलोकात रहे उत्तर लोगों मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह ने पहली इलेक्शन 1972 लड़ी सी। आई जस्ट कैन नॉट इग्नोर द सेंटीमेंट्स मेरे पिछले 2 सालों तो पिछले पे हुए हैं सारे मेरे वोटर के तहूँ वापस कांग्रेस में जाना चाहिए। सुखपाल सिंह खहरा की भाषा तो साफ अंदाजा लाया जा सकता है कि उन्होंने कोई होर बदल नहीं बचा सी इस करके ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है शायद इस करके ही लगातार ये गल कह रहे हैं भावें कि हूँ कांग्रेस पार्टी के लीडर बन चुके ने उसके मैंबर बन चुके ने इस बावजूद वो ये गल कह रहे हैं कि मैं बहुत जोर लाया कि कोई नवा फ्रंट बनना चाहिए है जदों किसी ने मेरी गल नहीं सुनी है तो फिर मैं की करता किसी प्लेटफॉर्म से तो जाना ही सी। लगभग ये गल सुखपाल सिंह खहरा कबूल दे दिखाई देंदे ने कि उन्होंने अपनी MLA की भुलत की सीट बचाने लिए एक कदम चुकया है। कांग्रेस पार्टी दियां फिलहाल ज़्यादा तरीफा सुखपाल सिंह खहरा करते दिखाई नहीं देंदे। एक सवाल तुहाडे कोलों पूछ लेना चाहुंदे आ कि जिस तरह सुखपाल सिंह खहरा आप ही एक गल कबूल दे दिखाई देंदे ने कि उन्होंने मजबूरी दे विच कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है तो की तुहानूं लगता है कि उन्होंने फिर मजबूरी विच आ के एक कदम चुकना उन्होंने वालों ठीक सी जां फिर कुछ होर स्टैप भी उन्होंने वालों चुकिया जा सकता सी। जो भी तुहानूं लगता है कमेंट करके अपनी राय खुल के बेबाक हो के जरूर दिओ। जेकर इस तरह ही हर खबर नूं निरपक्षता नाल देखते रहना चाहते हो तो YouTube ते द पंजाब TV दे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन जरूर दबा लेना। जेकर यह खबर तुसीं Facebook ते देख रहे हो तो Facebook ते द पंजाब TV का पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजर होवांगा। तुसीं देखते रहो द पंजाब TV हर खबर का सच।